भाजपा को घेरते घेरते कांग्रेस नेता ने अपनी ही पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस नेता पूनम पांडे ने अपनी ही पार्टी को घेरते हुए कहा कि जब किसान नेता आंदोलन कर रहे थे तब कांग्रेसियों ने उन पर कार चढ़ा दी। कांग्रेस नेता पूनम पांडे अपनी पार्टी की खूबियों के बारे में बता रही थी, उसी वक्त उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने कह दिया कि जब देश में किसान आंदोलन हो रहा था तो कुछ कांग्रेसी लोगों ने किसान नेताओं पर कार चढ़ा दी थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पूनम पांडे खुद कांग्रेस पार्टी से हैं और कांग्रेस पार्टी की फजीहत कराकर चली गई। हमारे यहाँ के जो किसान नेता है तेजिंदर विर्क जी, आपको आपने सुना ही होगा लखीमपुर में जिनके ऊपर थार चढ़ा दी गई थी कुछ कांग्रेस के लोगों के द्वारा, तो उस दौरान मैं इनको मिली थी वहाँ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।